हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडेटअप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाइल के प्रोग्राम्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। पाइथन प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ये बताया कि कैसे आप 1 टू 10 प्रिंट करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको ये बताया कि कैसे आप 1 टू n प्रिंट करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ठीक क्वेश्चन नंबर 1 के उल्टे, यानी कि अगर आपको 1 टू 10 नहीं प्रिंट करना बल्कि अगर आपको 10 टू 1 प्रिंट करना है तो आप कौन से लॉजिक को और कैसे अपने प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे। तो आज का प्रोग्राम हमारा यही है कि हम 10 टू 1 कैसे प्रिंट करेंगे। तो बड़ा आसान सा प्रोग्राम है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है 1 टू 10 वाली, तो ये आपको बहुत आसान लगने वाला है और इसको मैं थोड़ी जल्दी फिनिश करूंगा क्योंकि आज मैं दो प्रोग्राम्स एक ही वीडियो में खत्म करने वाला हूं। तो अगर हमें 10 टू 1 प्रिंट करना है तो ऑब्वियस सी बात है हमारी इनिशियलाइजेशन कितने से स्टार्ट होगी, 10 से, क्योंकि हमें स्टार्टिंग कहां से करनी है, 10 से करनी है। और हमें जाना कहां तक है, 1 तक जाना है, तो 10 टू कहां तक जाएंगे, हम 1 तक जाएंगे। तो चूंकि मेरी इनिशियलाइजेशन 10 से स्टार्ट होने वाली है, मैंने यहां पे अपने प्रोग्राम का पहला लाइन लिखा हुआ है आई इक्वल्स व्हाट 10, यानी कि आई को मैं कितने से स्टार्ट कर रहा हूं, 10 से स्टार्ट कर रहा हूं। अब मैंने कंडीशन निकालने का तरीका आपको ऑलरेडी बता दिया है। 10 और 1 में आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है 10 जो है वो ग्रेटर देन होगा 1 के। अगला वैल्यू 9 है, 9 भी ग्रेटर देन होगा 1 के, 8 भी ग्रेटर देन होगा, 7 भी ग्रेटर देन होगा, और ऐसे करते करते 2 जब जाएंगे तो 2 भी ग्रेटर देन होगा, लेकिन 1 तो 1 के ग्रेटर देन नहीं होगा, तो उस केस में क्या लगा देंगे, इक्वल टू लगा देंगे। तो हमारा जो कंडीशन बन के आएगा वो क्या बन के आएगा कि आई की वैल्यू जब तक जो है वो बड़ी है किससे, 1 से, या बराबर है किसके, 1 के। बराबर क्यों लगाया, इक्वल टू क्यों लगाया, क्योंकि 1 भी हमें प्रिंट करना है। तो ये हमारा क्या बन जाता है, कंडीशन बन जाता है। तो इस कंडीशन को हमने वाइल में डाल दिया कि वाइल जब तक कि आई की वैल्यू बड़ी है या बराबर है किससे, 1 से, तब तक आप आई को क्या करोगे, प्रिंट करोगे और आई को 1 से घटाते चले जाओगे। ठीक है, तो इसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमने देखिए आई में कितना स्टार्ट किया, आई में हमने 10 स्टार्ट किया। अब हम यहां चेक करते हैं कि क्या आई की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है, तो आई में 10 है, 10 जो है वो 1 से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए ये स्टेटमेंट 1 है और ये स्टेटमेंट 2 है जो इन दोनों वाइल के अंदर है, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट वाइल के पार्ट हैं। सो ये भी एग्जीक्यूट होगा और ये भी एग्जीक्यूट होगा, तो प्रिंट आई करेंगे तो क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 10 प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पे। और आई इक्वल टू आई माइनस 1 करेंगे तो हमारी आई की वैल्यू 10 से घट के क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब ये लूप है, लूप फिर से अपने कंडीशन वाले सेक्शन पे जाएगा और फिर से चेक करेगा सेम कंडीशन, क्या अभी भी ये ट्रू है, तो आई की वैल्यू बड़ी है 1 से, आई में देखिए क्या है, 9 है, 9 बड़ा है 1 से, बिल्कुल ट्रू है। ट्रू होते ही फिर से ये वाइल के पार्ट में आया, वाइल की बॉडी में आया और आई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, तो क्या प्रिंट कर दिया इसने, 9 को प्रिंट कर दिया और फिर से आई को 1 से माइनस कर दिया तो 8 हो गया। तो फिर से ये ऊपर जाएगा, अब फिर चेक करेगा कि 8 जो है वो क्या बड़ा है 1 से, बिल्कुल बड़ा है, 8 को प्रिंट कर देगा। फिर आई 1 से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 7 हो जाएगा। तो फिर ये ऊपर जाके 7 को चेक करेगा कि क्या 7 बड़ा है 1 से, तो हाँ इस बार 7 भी बड़ा है 1 से। तो इसी तरीके से 7 प्रिंट होगा, 7 बड़ा है प्रिंट हो जाएगा, 6 बड़ा है प्रिंट हो जाएगा, 5 बड़ा है प्रिंट हो जाएगा क्योंकि 1 से घट रहा है बार बार, 4 बड़ा है हाँ, 3 हाँ, 2 बड़ा है हाँ बड़ा है, लेकिन जब 1 की बारी आएगी तो 1 क्या बड़ा है, नहीं 1 बड़ा तो नहीं है लेकिन 1 बराबर है और हमने यहाँ बराबर वाला भी कंडीशन दिया हुआ है, इसीलिए क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे 1 भी प्रिंट हो जाएगा। और इस तरह से हमारा प्रोग्राम 10 टू 1 क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, राइट। तो ये था हमारा 10 टू 1 प्रिंट करने का प्रोग्राम। अगर आपको इस प्रोग्राम में थोड़ी सी भी मुश्किल आ रही है तो प्लीज आप मेरे पहले वाले वीडियो को रेफर कीजिए, जिसमें मैंने आपको पूरी तरह से क्लियरली तरीके से बताया हुआ है। इसमें मैं थोड़ा सा इसलिए फास्ट जा रहा हूं क्योंकि मुझे नेक्स्ट प्रोग्राम में क्या करना है, कवर करना है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम जो है हमारा वो सेम है, बस अब हमें क्या करना है, हमें 10 टू 1 नहीं प्रिंट करना। इसके पहले वाले प्रोग्राम में हमने क्या किया है, 10 टू 1 प्रिंट किया है, इस बार हमें n टू 1 प्रिंट करना है। और ये n कौन डिसाइड करेगा, तो n यूजर कहेगा, यानी कि n में अगर यूजर 5 देता है तो हमें क्या प्रिंट करना है, 5 टू 1 प्रिंट करना है। n में अगर हमें 20 देता है यूजर तो हमें 20 टू 1 प्रिंट करना है, मतलब ये वैल्यू हमारी फिक्स नहीं है। जो पहली बार पहले वाले प्रोग्राम में n की वैल्यू क्या थी, 10 हमारी फिक्स थी। तो सबसे पहले हमें n की वैल्यू यूजर से लेनी पड़ेगी, तो हम इनपुट फंक्शन के माध्यम से एक मैसेज डालते हैं स्क्रीन पे कि एंटर नंबर, और जो भी नंबर आया उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके n में हमने स्टोर कर लिया। n में यूजर तो कुछ भी दे सकता है, मान लीजिए हमने n में यूजर ने क्या दिया, 5 दिया, यानी कि वो चाहता था क्या, क्या प्रिंट करना चाहता था, वो 5 टू 1 प्रिंट करना चाहता था। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखिए n इज ग्रेटर देन इक्वल टू का कंडीशन लगाया। अगर हम इस 5 की बात करें तो ये 5 खुद कहां स्टोर है, n में स्टोर है। तो अगर ये n में स्टोर है तो हम यहां देखेंगे कि क्या 5 और 1 में क्या रिलेशन है।
तो 5 ऑब्वियस सी बात क्या है, बड़ा है 1 से। अब हमें 4 प्रिंट करना है अगली बार, तो 4 भी क्या है, बड़ा है, 3 भी बड़ा है, 2 भी बड़ा है, लेकिन 1 क्या है, बड़ा नहीं है, इक्वल है। इसीलिए हमारा कंडीशन क्या भी बनता है, कंडीशन ये बनता है जब तक कि n की वैल्यू क्या है, या तो बड़ी है, देखिए 4, 3, 2 बड़ी है, या बराबर है किसके, 1 के, क्योंकि 1 भी हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तो इसी कंडीशन को मैंने while के साथ क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। और हर बार मैं प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करके n की वैल्यू को क्या कर दे रहा हूँ, प्रिंट कर दे रहा हूँ, और n को क्या कर रहा हूँ, 1 से हर बार घटा दे रहा हूँ। चलिए इसको ड्राई रन करके देखते हैं। हमने यहाँ मान लिया कि यूजर ने n में 5 दिया था, चेक करता है कंडीशन कि क्या n की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो 5 जो है वो क्या है, 1 से बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है, प्रिंट कर दो किसकी वैल्यू, n की वैल्यू। तो जो हमारा आउटपुट वाला सेगमेंट होगा उसमें सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा। अब क्या होगा, n इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 5 से, 4 हो गई। ये फिर से ऊपर जाएगा क्योंकि कंडीशन फिर से चेक करना है कि कंडीशन जो है सही है या गलत है। तो n इज ग्रेटर देन 1 है क्या, n की वैल्यू कितनी है 4, 4 इज ग्रेटर देन 1 है, बिल्कुल है, 4 को प्रिंट कर दिया, ठीक है, यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट है। फिर n इक्वल टू n माइनस 1 किया तो ये 3 हो गया, ये यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा, 3 बड़ा है 1 से, हाँ बिल्कुल बड़ा है, फिर से अंदर आया, n की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, और n की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 प्रिंट कर दिया, फिर से n की वैल्यू को 1 से कम कर दिया, n की वैल्यू 1 से कम होगी तो क्या हो गई, 2 हो गई। फिर से ये ऊपर गया, 2 इज ग्रेटर देन 1 है क्या, जी बिल्कुल है, तो फिर से इसके अंदर लूप की बॉडी के अंदर आया, पहला स्टेटमेंट प्रिंट n है तो उसने प्रिंट कर दिया n की वैल्यू को, फिर n को 1 से घटा दिया तो n कितनी थी 2 थी, 2 से n की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। फिर से ऊपर जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन 1 नहीं, 1 इज इक्वल टू 1, हाँ बिल्कुल सही है। तो जब ये कंडीशन सही है, फिर से लूप की बॉडी में एंटर किया, प्रिंट n किया, n की वैल्यू कितनी थी 1 थी, प्रिंट कर दिया, और n इक्वल टू n माइनस 1 किया तो n की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। अभी ध्यान रखिए, अभी भी ये ऊपर जाएगा, भले हमें अपने कॉमन सेंस से पता चल गया कि ये वैल्यू टूट गई है, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो है फिर से ये वापस जाके जब तक चेक नहीं करेगा तब तक लूप को टर्मिनेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि एन की वैल्यू 0 से बड़ी है, बराबर है, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई है 0, तो 0 क्या बड़ी है 1 से, नहीं, बराबर है 1 से, नहीं, तो हमारा लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो याद रखिए, जब लूप टर्मिनेट होगा तो आपकी वैल्यू जो एन में स्टोर होगी वो क्या होगी, 0 होगी, इस चीज को याद रखिएगा। और जब ये लूप टर्मिनेट होगा तो इसके बाद तो हमारे पास कोई स्टेटमेंट है ही नहीं, क्योंकि यही हमारा लास्ट स्टेटमेंट था, तो आउटपुट हमारा तब तक क्या आ चुका होगा, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये हमारा प्रोग्राम था जो n से लेके 1 तक क्या करेगा, प्रिंट करेगा, राइट। तो इसे आप खुद से पाइथन के आइडियली में रन करके देखिए, और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं उसको सर्टेनली डेफिनेटली करेक्ट करके आपको दूंगा। हालांकि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, मेरा पूरा यकीन है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी आगे व्हाइल के प्रोग्राम्स को डिटेल में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।